हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी एवी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक बॉक्स के बारे में। दोस्तों वैसे तो आपने ब्लैक बॉक्स के बारे में सुन ही रखा होगा, जानते भी होंगे शायद, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ ब्लैक बॉक्स के बारे में जो शायद आपको पहले से नहीं पता होगा। तो चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, किसने आविष्कार किया और क्यों किया, ये सब आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप समय पर देख सकें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ब्लैक बॉक्स होता क्या है। दोस्तों एक बॉक्स होता है टाइटेनियम का बना हुआ, जिसमें ढेर सारे उपकरण लगे हुए होते हैं और ये आमतौर पर प्लेन के पिछले हिस्से में रखा होता है। ये टाइटेनियम का इसलिए बनाया गया होता है ताकि प्लेन क्रैश हो जाए या कभी ऊंचाई से ये डब्बा गिर जाए या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर इसको झेलना पड़े तो ये झेल सके। दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, आपने नाम से तो सोचा होगा ब्लैक होगा, लेकिन इसका वास्तव में कलर ऑरेंज होता है, चटकीला ऑरेंज, ताकि एक्सीडेंट की दशा में या प्लेन क्रैश हो जाने की दशा में ये आसानी से ढूंढा जा सके, दूर से ही दिखाई दे जाए कि भाई ये रहा ब्लैक बॉक्स। चलिए अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों 1953-54 में हवाई जो हादसे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और हादसों का कारण पता नहीं चल पाता था। तो उस वक्त बात होने लगी थी क्यों ना एक ऐसा उपकरण बनाया जाए जो कि हवाई जहाज में उस समय क्या बातचीत हो रही थी या क्या खराबी हुई होगी वो रिकॉर्ड रख सके। तो ये जब विचार आया तो एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के, डेविड वॉरेन का नाम था, जो कि ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे कि प्लेन में जो भी एक्टिविटी होती वो उसे रिकॉर्ड कर सकता था, यानी कि इंजन की आवाज़, चाहे पायलटों की बातचीत हो, काफ़ी कुछ उसमें रिकॉर्ड रह सकता था। तो इन्होंने इसका आविष्कार किया। सो शुरुआत में क्या हुआ था कि इसका जो रंग था वो लाल रंग था और इसको रेड एग के नाम से भी पुकारा जाता था। हालांकि अंदर की जो इसकी दीवारें थी उनको ब्लैक रंग में रंगा गया था, इसलिए शायद इसको ब्लैक बॉक्स भी कहा गया। दोस्तों ब्लैक बॉक्स में दो अलग अलग तरह के बॉक्स होते हैं, एक होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। पहला वाला जो होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, इसमें विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल, केबिन का तापमान, ये सभी 88 प्रकार के आंकड़े 25 घंटे तक की अधिकतम रिकॉर्डेड रहते हैं। और ये जो बॉक्स है ये 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को एक घंटे तक सहन कर सकता है तथा 260 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को 10 घंटे तक सहन कर सकता है। और दूसरा जो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये विमान के अंतिम 2 घंटों के दौरान विमान की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, इंजन की आवाज़, आपातकालीन अलार्म की आवाज़, केबिन की आवाज़, कॉकपिट के आवाज़ को रिकॉर्ड करते रहता है ताकि ये पता चल सके कि अंतिम समय में यानी हादसे के समय में विमान में माहौल किस तरह का था। दोस्तों ये ब्लैक बॉक्स 30 दिन तक बिना बिजली के काम करते रहता है और 30 दिनों तक ये एक लगातार हर सेकंड बीप की आवाज़ करते रहता है जिससे कि इसे आसानी से खोजा जा सके। और दूसरी एक और बात कि ये अगर समुद्र में भी गिर जाए ना, 14,000 फीट तक भी गिर जाए ना, तो भी वहाँ से सिग्नल भेजते रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा है आप समझ पाए होंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। आगे भी ऐसे ही वीडियोस हिंदी एवी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर इसके अलावा आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स के बारे में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।